तो आज की जो क्लास है इसमें हम विजुअल बेसिक में एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। विजुअल बेसिक को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लिखे हुए शब्द का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको चलाने का काम इवेंट्स करता है, यानी कि विजुअल बेसिक में जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो टोटली डिपेंड करता है इवेंट्स के ऊपर। इवेंट्स ही प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हैंडल करते हैं। इस टाइप का जो कंसेप्ट वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उन्हें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है और विजुअल बेसिक उनमें से एक है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चार चीजें होती हैं जो एंड यूजर मतलब जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म करता है। इवेंट जो है वो किसी ना किसी सोर्स के साथ रिलेटेड होते हैं और सोर्स जो है किसी इवेंट प्रोसीजर को कॉल कर देता है और इवेंट प्रोसीजर को कॉल करने के बाद कोड असल में यहाँ पर लिखा हुआ होता है। कोड इवेंट प्रोसीजर में हम लिखते हैं। तो आपने देखा होगा कोड एडिटर विंडो में पहले से लिखा हुआ आता है प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक, वो इवेंट प्रोसीजर है। इवेंट प्रोसीजर कहलाता है। इवेंट प्रोसीजर में हम कोड लिखते हैं और जैसे ही हम कोई इवेंट करते हैं जैसे क्लिक किए कमांड बटन पे तो कमांड बटन का इवेंट प्रोसीजर उस कोड को रन कर देता है। इस टाइप का जो हैंडलिंग होती है, इस टाइप का जो प्रोसेस होता है, इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में आपको चार टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं, यूजर, इवेंट सोर्स और इवेंट प्रोसीजर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यूजर क्या होता है, जो हमारा एंड यूजर है यानी कि जो बैठ के प्रोग्राम को रन कर रहा है उसे हम यूजर कहेंगे या एंड यूजर भी कहते हैं उसको। इवेंट्स क्या होते हैं, रन टाइम पे की गई कोई भी एक्टिविटी, यूजर के द्वारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान की गई कोई भी एक्टिविटी जो इनपुट डिवाइस के द्वारा करता है यूजर, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, की प्रेस, माउस मूव, कोई भी एक्टिविटी हम रन करते समय करते हैं उसको इवेंट कहते हैं। इवेंट की लिस्ट हम अभी देखेंगे आगे। और सोर्स, अगला जो इसमें एलिमेंट है वो है सोर्स। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो किसी न किसी सोर्स के ऊपर करते हैं, या तो मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर करूंगा या कमांड के ऊपर करूंगा या लेबल के ऊपर करूंगा या फॉर्म के ऊपर करेंगे। तो किसके ऊपर आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको हम सोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटन पे क्लिक करते हो, दो बटन बने हैं तो कौन से बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, वो बटन क्या कहलाता है, सोर्स। इवेंट प्रोसीजर, इवेंट प्रोसीजर जो है वो अटैच्ड होता है सोर्स के साथ, उसमें जैसे ही कोई इवेंट परफॉर्म होता है वो उस इवेंट प्रोसीजर को कॉल करता है और वहां पर कोड का एग्जीक्यूशन होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल से मैं अगर बताऊं, इसके एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देखें तो मैं आपको दो कमांड बटन यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि दोनों कमांड बटन में किस तरीके से इवेंट हैंडलिंग हो रही है। तो पहले कमांड बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो पहले कमांड बटन का इवेंट प्रोसीजर, ये जो दिख रहा है इसको इवेंट प्रोसीजर बोलते हैं, प्राइवेट सब, इसके बीच में कोड लिखा जाता है। तो इसके बीच में मैं कोड लिख रहा हूँ प्रिंट वन, या ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट वन, जबकि दूसरे कमांड बटन पे क्लिक करके मैंने लिखा प्रिंट टू। प्रिंट के लिए क्वेश्चन मार्क भी होता है इसमें, इतना प्रिंट लिख देगा, वो कंप्लीट कर देता है ऑटोमेटिक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो इवेंट प्रोसीजर है, एक कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक और क्लिक जो है वो इवेंट है। तो जब भी किसी कोड को आप लिख रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर एक सोर्स होता है और यहाँ पर इवेंट की लिस्ट होती है। यानी कि बोलने का मतलब है कमांड वन पर जब क्लिक होगा तब प्रिंट होगा वन, कमांड वन पर जब क्लिक होगा तो क्या प्रिंट होगा, वन। मैं एक सोर्स के साथ मल्टीपल इवेंट्स भी अटैच कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड वन लिया और यहां पर मैंने ले लिया माउस मूव, ठीक है। तो देखो कमांड वन के साथ दो इवेंट्स आ गए, कमांड वन के साथ यहाँ पर कितने इवेंट्स आ गए, दो।
पहला क्लिक और दूसरा माउस मूव, यानी कमांड वन पर जब क्लिक होगा तो प्रिंट वन होगा और कमांड वन पर जब माउस मूव होगा तब क्या होगा, फॉर्म वन का बैक कलर इक्वल टू वीबी येलो। क्लियर है? तो यहां पर मैंने कमांड वन जो सोर्स है उसके साथ दो इवेंट अटैच किए हैं। पहला इवेंट है क्लिक, जब क्लिक होगा तो ये रन होगा और जब माउस मूव होगा तो ये रन होगा। ठीक है, क्लियर। और कमांड टू के साथ मैंने एक इवेंट अटैच किया है। तो यहां पर हमारे पास दो सोर्स हैं, एक माउस, एक कमांड वन है और एक क्या है, कमांड टू। तो आप यहां पर देखोगे कि ये हमारा, मैं फॉर्म के ऊपर माउस मूव कर रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा है, कमांड टू के ऊपर माउस मूव कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही कमांड वन के ऊपर जाऊंगा तो उसका कलर येलो हो गया। कमांड वन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वन लिखा हुआ आएगा और कमांड टू पर जब क्लिक करूंगा तो टू लिखा हुआ आएगा। तो आपको पता चला कि यहां पर तीन बार इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हुई। जब ये वाला कोड रन हुआ तब उस समय यूजर मैं था, सोर्स इवेंट क्या किया मैंने, क्लिक किया, सोर्स क्या था, कमांड वन, और इवेंट प्रोसीजर ये था। क्लियर। इस डायग्राम को अगर देखें तो यहां पर इस डायग्राम में मैंने क्लिक इवेंट परफॉर्म किया कमांड बटन पर, मैंने क्लिक इवेंट परफॉर्म किया कमांड बटन पर, तो प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। नीचे बाकी दो कोड और लिखे थे वो नहीं हुआ। तो आपको ये पता चल रहा है कि क्या इवेंट परफॉर्म करेंगे तो क्या एग्जीक्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पर माउस मूव किया तो वहां पर कमांड वन के ऊपर जैसे ही मैंने माउस मूव किया तो वो येलो वाला कोड को एग्जीक्यूट किया, ना कि वन और टू वाले कोड को। तो इवेंट डिसाइड करता है कि बहुत सारे कोड है उसमें से कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, इवेंट चलाता है। तो यहां पर हमने देखा कि इवेंट जो है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चार सोर्स होते हैं, ये बनाया हुआ डायग्राम है। अब यहां पर एक इवेंट अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। इवेंट क्या होता है, यूजर के द्वारा रन टाइम पे की गई कोई भी एक्टिविटी जो इनपुट डिवाइस के द्वारा की जाती है उसे इवेंट कहते हैं। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस समय आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी इनपुट डिवाइस से करोगे तभी उसको समझ में आएगा। तो हमारे पास दो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड या माउस से कोई भी एक्टिविटी करते हो, अगर माउस को हिला देते हो या माउस पे एक क्लिक करते हो, दो क्लिक करते हो, तीन क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो, शिफ्ट के साथ क्लिक करते हो, इवेंट्स के कॉम्बिनेशन भी बनते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक या कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक और सिंपल क्लिक, तीनों अलग अलग इवेंट होंगे, तीन अलग अलग चीजें वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो इवेंट जो है वो बेसिकली इनपुट डिवाइस के साथ ही होते हैं। इवेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, रन टाइम पे की गई कोई भी एक्टिविटी इनपुट डिवाइस पर वो इवेंट कहलाती है। अब इवेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड इवेंट और माउस इवेंट। हमारे पास दो इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन होती तो एक और इनपुट डिवाइस की कैटेगरी होती। जितनी इनपुट डिवाइस आप ऐड करोगे उतने इवेंट्स बढ़ते जाएंगे। क्लियर। तो अगला टॉपिक जो है वो हम इवेंट्स को देखेंगे। ओके।